काफी सारी खबरें आई है, उसमें सबसे पहले तो हमने जो आपको एक्सक्लूसिव खबर दी रानी मड्रास के लिए कि सूत्रों के हवाले से खबर लगी है कि कारों में 6 एयरबैग जो है वो अनिवार्य करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। नितिन गडकरी ने अधिकारियों को काम शुरू करने के लिए कह दिया और सरकार 30 दिन में इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो है वो ला सकते, तो इसका फायदा रानी मड्रास को होगा। इसके अलावा स्यूबैक्स इस कंपनी ने मालदीव्स की कंपनी से इस कंपनी को ऑर्डर मिला है, करीब 5 साल का यह ऑर्डर जो है वो इस कंपनी ने जीता है। इंटीग्रेटेड रेवेन्यू एश्योरेंस एंड फ्रॉड मैनेजमेंट के लिए ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिला है। इसके अलावा हाइकेल, यहाँ पे महाड़ में जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस कंपनी ने बंद कर दिया था बाढ़ के चलते, वो इसने फिर से शुरू कर दिया है, ये इन्होंने अपडेट दिया है। टाटा स्टील कंपनी ने पहला स्टील रिसाइकलिंग प्लांट जो है वो लगा दिया है। हरियाणा के रोहतक में पहला स्टील प्लांट जो है रिसाइकलिंग के लिए वो लगाया गया है। इसके अलावा न्यूज वायर के हवाले से ये खबर आई है कि प्राइवेट ट्रेन टेंडर प्रक्रिया में बदलाव पर विचार चल रहा है। ज्यादा बोली मंगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया जो है उसको बदलने के ऊपर विचार चल रहा है। इसके शर्तों में बदलाव में बातचीत चल रही है। रेन मंत्रालय की नीति आयोग के साथ बातचीत जो है वो जारी है। वही मैन इंफ्रा जो लॉन्ग टर्म रेटिंग है केयर ने A- से बढ़ाकर A कर दी है। आवास फाइनेंशियल में सुबह सुबह ब्लॉक डील्स हुई काफ़ी सारी, करीब 2 लाख शेयर्स 5 लाख शेयर्स के आसपास की ब्लॉक डील्स जो है वो हुई है आवास फाइनेंशियल में। और सिटी यूनियन बैंक में 32 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं 145 से 146 के रेट में। और एक और कंपनी जिसने अपने आईपीओ के लिए अर्जी दे दी है वो है टेगा इंडस्ट्रीज, जिसने से भी मैं आईपीओ के लिए अर्जी दी है। आज देर शाम फेड की बैठक के मिनट्स जारी होने वाले हैं, इस पर नजर है। कल मुहर्रम के चलते भारतीय बाजार तो बंद रहने वाले हैं, लेकिन आरती इंडस्ट्रीज बोर्ड बैठक में फार्मा कारोबार को डीमर्ज करने पर फैसला ले सकता है, तो इस फैसले पर नजर रहेगी। शुक्रवार के दिन यानी कि 20 अगस्त के दिन सैटिन क्रेडिट केयर पर नजर रखिये। पाटलिपेट शेयरों के लिए फाइनल कॉल की आखिरी तारीख होगी और इसी दिन मन्नापुरम फाइनेंस एक्स डिविडेंड ट्रेड होता हुआ दिखेगा। तो ये तमाम खबरें ट्रिगर्स शुक्रवार तक के लिए।